नहीं चल रही हो तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ये मिट्टी तो महाराजा रंजीत सिंह और हरि सिंह नलवा के खून से सजी थी। श्री हरविंदर सिंह फुलका तब तक इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे जब तक उनकी जीत नहीं हो गई। फुलका जी ने इसी दिल्ली में खुद 1984 के दंगों में दर्द को सहा, हजारों की दर्दनाक कहानियां सुनी और आखिरकार 2018 में उन्हें न्याय दिलाया। उन्होंने 1984 के दंगे पीड़ित सिखों के लिए जो लड़ाई लड़ी है वे सराहनीय है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुर्जा पुर्जा कर मरे कभो ना छोड़े खेत। ऐसे ही शूरवीर हरविंदर सिंह फुलका जी को आज सम्मानित कर रहे हैं देश के केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी। हम केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी से आग्रह करेंगे कि वो श्री हरविंदर सिंह फुलका जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां। जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है वो वाकई काबिले तारीफ है। मुझे वो तालियों की गूंज सुनाई नहीं दे रही है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और जोर से। तालियां, कंजूसी मत कीजिए, तालियां कर। मैं श्री HS फुलका जी से आग्रह करूंगी कि वो अपनी लड़ाई के बारे में कुछ बताएं।